नमस्कार, मैं हूँ खुशबू और स्वागत है आपका स्वदेश वाणी के इवनिंग बुलेटिन में। इस समाचार के प्रायोजक है दीप सिंट्रा। सबका सपना रांची में घर हो अपना। आइए डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर एक नज़र। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पाकिस्तान में लगे जय श्री राम के नारे, मंदिर के मुद्दों पर कराची में जुटे लोग। तालिबान के खिलाफ महिला गवर्नर माजरी ने बनाई अपनी फौज, सेना में शामिल मजदूर और गडरीय। उमराह पर आज से जा सकेंगे भारतीय जैरीन। 18 महीने बाद सऊदी सरकार ने हटाई पाबंदी। 20 लाख वैक्सीनेटेड लोगों को हर महीने मिलेगी अनुमति। आइए डालते हैं अब राष्ट्रीय खबरों पर एक नज़र। लाल चौक की हरि सिंह हाई स्ट्रीट में आतंकियों का ग्रेनेड से हमला, 5 घायल। हिमाचल घूमने जाने से बचे, राज्य में 13 दिन में एक्टिव केस हुए दोगुना। इस सीजन में अब तक 5 लाख टूरिस्ट पहुंचे। श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक, जहां कांग्रेस ऑफिस का उद्घाटन करने राहुल गांधी गए थे, उससे 500 मीटर दूर हुआ आतंकी हमला। आइए डालते हैं अब झारखंड बिहार की खबरों पर एक नज़र। बॉयलर फटने से 11 मजदूर घायल, प्राथमिक उपचार के बाद सभी को रांची के अलग अलग अस्पतालों में एडमिट कराया गया। रांची में आज टीके का टोटा, 1470 डोज के लिए बनाए गए 13 वैक्सीनेशन केंद्र, ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 2, कहीं भी कोवैक्सीन नहीं। आरसीपी के स्वागत के लिए लगे पोस्टर में ललन सिंह की फोटो गायब, अभय कुशवाहा ने कहा सबकी तस्वीर हो ये प्रोटोकॉल नहीं। पटना के प्राइवेट हॉस्पिटल में सदानंद सिंह एडमिट, हाल ही में दिल्ली से लीवर का इलाज कराकर लौटे हैं। आइए डालते हैं अब खेल जगत की खबरों पर एक नज़र। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर क्रिस क्रेंस लड़ रहे जिंदगी और मौत की जंग, लाइफ सपोर्ट पर। इंग्लैंड की टीम में मोइन अली हुए शामिल, बल्लेबाजी से मजबूत देने के साथ साथ स्पिनर की कमी को भी पूरा करेंगे मोइन। ये थे आज के दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों की जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.swadeshwani.com या हमारे YouTube चैनल पर आए। तब तक के लिए बने रहे स्वदेशवाणी के साथ। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।